नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये आरआरबी भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आप लोगों को आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस लेकर के आया हूँ। उसके फर्स्ट फेज का जो आपको एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, वो आपको कब से लेकर के कब तक है, इसके रिगार्डिंग एक नोटिस है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब से है और फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी का, वो कब से कब तक होगा। इसके ऊपर में एक नोटिस आया है, मैं आप लोगों को उस नोटिस को दिखाता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस नोटिस को मैं डाउनलोड कर लूँ, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक से आप लोग उस नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग कोई भी कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ही कमेंट करें। पहले कमेंट करेंगे तो मैं उसको आपको गलत मानूंगा, ये ऐसा ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पूरे बात को सुने हुए ही कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोग रेलवे, एसएससी, बैंक, स्पेशली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर दीजिए। और इस चैनल में एक करंट अफेयर के नाम का एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में मैं आपको सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ाया हूँ, जैसे कि आपको बाफ्टा अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, आपको जितना भी आंधी तूफान, सीएम, गवर्नर, सभी को बहुत ही ट्रिकी अंदाज में पढ़ाया हूँ। इसका लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अब उस नोटिस को देखना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही है वो नोटिस जो आपको आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग जारी हुआ है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नोटिस में क्या कहा गया है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, CEN 0 RRC 01/2019, लेवल 1 पोस्ट, नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT। चलिए पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, द फर्स्ट स्टेज CBT विल बी हेल्ड इन मल्टीपल फेजेज इन ऑर्डर टू एंश्योर एडहेरेंस टू ऑल द COVID-19 गाइडलाइंस फॉर द लार्ज नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, अप्रोक्स 1.3 crores। Accordingly, the first phase of exam is scheduled for 23 lakh candidates approx to be held from 7/12/2021 to 19/12/2021 in various cities all over the country. The remaining eligible candidates will be scheduled in subsequent phases and will be intimated accordingly. देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कह रहा है कि यानी कि 7 दिसंबर से लेकर के आपको 19 दिसंबर तक फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम होगा। का भी आपको फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम पड़ा है, वो आपको 7 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम देंगे। आपको यहाँ पे बताया गया है कि करीब 1.3 करोड़ स्टूडेंट ग्रुप डी में अप्लाई किए थे, जिसमें से आपको 23 लाख को फर्स्ट फेज में लिया जाएगा। तो आपको 23 लाख को फर्स्ट फेज में लिया जाएगा, ऐसे करते करते आपको 6, 7, 8 जितना भी फेज हो, 1.3 करोड़ स्टूडेंट का जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन फर्स्ट फेज में मात्र 23 लाख का ही स्टूडेंट का आपको जो है सो एग्ज़ाम होगा, आपको 7 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर के बीच में। देखिए दोस्तों, इसके नीचे क्या लिखा गया है, इसको थोड़ा हम ऊपर करते हैं फिर देखते हैं। देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 में आपको 2 पॉइंट है, 2.1 एंड 2.2। 2.1 में लिखा गया है, द लिंक ऑफ व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवलिंग अथॉरिटी ऑफ ST/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन ऑल RRC वेबसाइट 10 डेज प्रियर टू स्टार्ट ऑफ देयर एग्जाम। इसमें कहा गया है, जो भी ST/ST के स्टूडेंट हैं, जिनको ट्रेवलिंग पास दिया जाता है आपको एग्ज़ाम देने के लिए, वो आप लोग जो हैं वो 10 दिन पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 डेज प्रियर, तो आपको 10 दिन पहले जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आपको एक्टिव हो जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है सो ट्रेवलिंग पास जो है आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोग ये भी देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो किस डेट में है और किस सिटी में है। जैसा कि आपको देख सकते हैं कि 7 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक हो रहा है, तो आपका 7 को हो, 8 को हो, 9 को हो, जिस दिन भी हो,
तो वो जिस दिन भी हो वो डेट जो है आप आपको 10 दिन पहले देख सकते हैं। और जो एससी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं वो आपको ट्रेवलिंग पास डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहीं 2.2 में है डाउनलोडिंग इकॉल लेटर स्टार्ट 4 डेज प्रियर टू एग्ज़ाम डेट मेंशन इन एग्ज़ाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। इसमें कह रहा है कि 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। 4 दिन पहले जो आपको ऑफिशियल एडमिट कार्ड होगा वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एग्ज़ाम के 4 दिन से पहले। यदि अगर आपका एग्ज़ाम मान लीजिए कि 7-19 के बीच में 15 को है तो आप लोग जो है 11 तारीख को जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा गया है, इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट हु इज नॉट शेड्यूल्ड इन फेज। कह रहा है कि ऐसे छात्र, आप तो जानते हैं कि 1.3 करोड़ में से आपको मात्र 23 लाख स्टूडेंट का ही आपको एग्जाम ले रहा है, तो इसमें कह रहा है कि ऑन एक्सेसिंग द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट मैसेज विल बी डिस्प्लेड, डियर कैंडिडेट्स यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन द प्रेजेंट फेजेज, प्लीज वेट फॉर इंटीमेशन फॉर RRCs। इसमें कहा गया है कि अगर आप लोगों का फर्स्ट फेज में एग्जाम नहीं आएगा तो आपको डियर कैंडिडेट से लेकर के फ्रॉम RRCs का जो मैसेज है वो आपके डिस्प्ले पर में शो करेगा। क्या शो करेगा, डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन द प्रेजेंट फेज, प्लीज वेट फॉर इंटीमेशन फ्रॉम RRCs। देखिए दोस्तों, वहीं पे 4th नंबर में क्या लिखा गया है, 4th नंबर में लिखा गया है फॉरगेट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि यदि अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, हो सकता है कि इसका जो है आपको 2019 में आया था और अभी आपको कुल मिलाकर के 3 साल पूरा होने वाला है, तो जब 3 साल पूरा होने वाला है ऐसे में हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हो जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर भुला गया हो, सिम भुला गया हो, मोबाइल चोरी हो गया हो, मोबाइल भुला गया हो, तो ऐसे कैंडिडेट जो हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भूल चुके हैं उनके लिए भी एक लिंक दिया जाएगा। तो क्या है उसको पढ़ लेते हैं। लिंक विल बी मेड अवेलेबल ऑन ऑल द RRC ऑफिशियल वेबसाइट टू असिस्ट कैंडिडेट्स हु फॉरगेट देयर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर इन रिट्राइविंग देयर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर। तो कह रहा है कि जो भी लोग भूल चुके हैं सो इसका लिंक आप लोगों को एक्टिवेट हो जाएगा, वहां से आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर जो भूल चुके हैं तो फिर से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कि और क्या सब लिखा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको लिखा गया है 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट में आपको बहुत ही मस्त बात लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRCs फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट बी मिसलीड बाय अनऑथेंटिकेटेड सोर्स। देखिए दोस्तों, आप लोग जो है ना इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वाले 5वें पॉइंट को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। यही एक ऐसा पॉइंट है जिसके कारण आप लोग बार बार बेवकूफ़ बनते हैं, आप लोगों को बार बार बेवकूफ़ बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि आप लोग जो है कोई भी नोटिस पर तभी विश्वास कीजिए जब वो ऑफिशियल RRB के वेबसाइट से डाउनलोड हुआ हो। तो ये जो नोटिस है आज सुबह से ही वायरल हो रहा है, टेलीग्राम पर, व्हाट्सअप पर, हर जगह लोग इसको वायरल कर रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मुझको मैसेज करके ये पूछ रहे थे, क्या सर ये नोटिस सही है या फिर ये नोटिस आपको गलती है, ये नोटिस आपको फेक है। तो मैं कहा कि ठीक है, जब इतने सारे स्टूडेंट कह रहे हैं तो मैं इस पर मैं एक वीडियो बनाता हूं और आप लोगों को सच से अवगत कराता हूं, मैं आप लोगों को सच्चाई बताता हूं कि ये नोटिस अभी किसी भी RRB के वेबसाइट पर नहीं है और ये नोटिस फेक है, फेक है, फेक है। अगर यही अगर नोटिस अगर हो सकता है कि आज शाम तक या कल तक अगर वेबसाइट अपलोड कर देता है तब ये नोटिस वैलिड हो जाएगा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऑफिशियल वेबसाइट से पहले ही नोटिस आपको वायरल हो जाता है, वो सही भी रहता है, लेकिन अभी तक वर्तमान समय तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक इस तरह का जो नोटिस है सो कोई भी वेबसाइट पर में अपलोड नहीं हुआ है। तो मेरे समझ से ये नोटिस वर्तमान समय तक फेक है, फेक है, फेक है। आप लोग इस फेक नोटिस पर विश्वास नहीं कीजिए। मैं सुबह से देख रहा हूं, यानी कि कल रात से ही देख रहा हूं कि फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह इस तरह के नोटिस को लोग वायरल कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं सर ये नोटिस सही है, गलत है, क्या है, क्या सच में मेरा एग्जाम हो जाएगा, मेरा तो तैयारी भी नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि वर्तमान समय तक मैं ये जब तक वीडियो बना रहा हूं उस समय तक ये वीडियो फेक है। देखिए इसमें डेट दिया हुआ है आपको 20/11/2021 का दिया हुआ है और इसमें आपको यहाँ पे लिखा गया है चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को तमाम फेक न्यूज से बचाता हूँ और सच से अवगत कराता हूँ। यदि अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, यदि नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।